अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे हैं। इन क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने पहले लिखे हुए हैं। आज के फॉर्मूले हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आज की हमारे ये दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज इन फॉर्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो वैल्यू हमें गिवन होती है और जो रिक्वायर्ड है उनको देखते हुए हमने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो आज हमारे पास a प्लस बी है, x प्लस वाई है और एक्स वाई है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो ये इस फॉर्मूले के सिमिलर है, इससे ममासलत रखता है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। लेकिन ये फॉर्मूला ab में है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मूला जरूरी नहीं ab में हो, एक्स वाई में हो सकता है, किसी और में भी, किसी और वेरिएबल्स में भी हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले को हम एक्स वाई में लिखेंगे। वी नो दैट एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट, आपको फॉर्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है और उन पे ग्रिप होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एबीसी में फॉर्मूला हो, एक्स वाई जेड में हो सकता है, LMN में हो सकता है, किसी और वेरिएबल में फॉर्मूला हो सकता है, उसके पैटर्न पे ग्रिप होनी चाहिए कि किस तरह ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दे। 3xy की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे 12 और एक्स प्लस वाई की जगह पे फिर 7 लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 का क्यूब 343 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने ये रिक्वायर्ड है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास प्लस का 252 बन जाएगा। तो ये इधर प्लस हो रहा है, 252 इधर प्लस हो रहा है, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे, 343 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 91 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये 91 इसका आंसर आ जाएगा, 91 इसका आंसर आ गया। तो यही इसका आंसर है। लेट अस इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 और xy इज इक्वल टू 12 हमने फाइंड करना है, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये भी पहले ही फॉर्मूले की तरह
इसकी वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से मुमासलत रख रही है। अगर जो है आपके नंबर थोड़े मुश्किल हो गए हैं लेकिन फॉर्मूला वही यूज होगा। तो देखें जरा मैं कैसे फॉर्मूला बनाता हूं। वी नो डैट ये लिख लेंगे 3x प्लस 4 वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, समझे ये a है ये b है, a प्लस b का होल क्यूब, इसको a कंसीडर कर ले इसको b, तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला इस पैटर्न के मुताबिक इसको बना लिया है। तो अब इसमें वैल्यू पहले एक स्टेप में इसको मजीद लैबोरेट कर लेते हैं, एक स्टेप में इसको मजीद लैबोरेट कर लें। होल क्यूब 3 का क्यूब 27 होता है और x का क्यूब x क्यूब, इसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है और y का क्यूब, इधर 3 3 9 9 4 36 एक्स वाई 3x + 4y। तो देखिए स्टूडेंट इसमें वो चीज नमाया हो गई है जो हमने फाइंड करनी थी, वो चीज इसमें अब नजर आ रही है जो हमने फाइंड करनी है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 3x + 4y की जगह पे आप 11 का क्यूब लिख लें, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख लें। इधर ये 36 एक्स वाई की जगह पे 12 और इसकी जगह पे फिर 11 लगा देंगे। अब कैलकुलेटर पे इनके आंसर निकाल लें सबके, 11 का क्यूब ये है 1331, ये एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 64y³, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये बनेगा 4752। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 27x³ प्लस 64y³। अब इनको माइनस कर देंगे, 1331 माइनस आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर माइनस का 3421, ये इसका आंसर आ जाएगा x³ y³। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व कर दिया है, ये कदरे मुश्किल था, इसमें 3x प्लस 4y था, तो उसका फॉर्मूला भी उसी के मुताबिक हमें ओपन करना पड़ा है। अगर 3x प्लस 4y है, ये कंसीडर कर लें, a है ये b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू लिखते हैं, x माइनस y वो है 4 और एक्स वाई वो है 21, इसी तरह हमें फाइंड करना है x³ - y³। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें ये नीचे वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है कि x माइनस वाई एक्स वाई और एक्स क्यूब यहाँ ए बी सी में है, ए बी सी ए बी में है और यहाँ पे एक्स वाई में है, लेकिन ये माइनस वाला फॉर्मूला इधर फिट हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। वी नो डैट एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अगर माइनस का फॉर्मूला है तो उसमें सारे ही माइनस आएंगे क्यूब के फॉर्मूले में, तो वैल्यू लगाएंगे x माइनस वाई 4 का क्यूब, इसी तरह x³ - y³ माइनस 3xy की जगह पे 21 और x माइनस वाई की जगह पे दोबारा 4 लगा देंगे,
फोर का क्यूब 64, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 252 इधर माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 252 हो जाएगा, इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच जाएगा, ये उस तरफ जाके प्लस हो गया है, तो इसमें प्लस कर देंगे 64, इन दोनों को प्लस करेंगे 316, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 वैल्यू लिखते हैं, यहां पे 5x माइनस 6y की वैल्यू है 13 और x माइनस वाई की वैल्यू है 6, इसी तरह हमने फाइंड करना है 125 एक्स क्यूब और माइनस का 216 वाई क्यूब, तो ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये इस फॉर्मूले से मुमासलत रखती हैं वैल्यू, ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन क्योंकि यहां पे थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल कर दी गई है, आप लिखें वी नो दैट 5x माइनस 6y होल क्यूब, समझे कि ये सारा a है माइनस b है, मतलब a माइनस b का होल क्यूब, ये सारा a है ये b है, तो a माइनस b का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब, ये a समझ लें इसको, इसको b, माइनस b क्यूब माइनस 3 a b इंटू a माइनस b, तो ये मैंने इस फॉर्मूले के मुताबिक इधर ये वैल्यू लगा दी है। उसके बाद सॉल्व करेंगे वैल्यू, एक स्टेप में थोड़ा एलैबोरेट कर लेंगे, 5x माइनस 6y का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125x क्यूब, 5 का क्यूब 125x का क्यूब x क्यूब, इधर 6 का क्यूब 216 और y का क्यूब माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15, 15 6 90 xy, और ये 5x माइनस 6y एज इट इज रहेगा हमारे पास। उसके बाद इनमें वैल्यू लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास जो है 13 का क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास 13 का क्यूब। उसके बाद ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा 216 वाई क्यूब, इधर ये 90, एक्स वाई की जगह पे 6 लगाएंगे और एक्स 5x माइनस 6y की जगह पे दोबारा 13 लगाएंगे। आप हमें पहले 13 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब वो है 2197, इसी तरह ये एज इट इज लिखेंगे 125 एक्स क्यूब 216 वाई क्यूब माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 90 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये आएगा 7020, ये इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, इन दोनों को प्लस कर दें 2197, तो दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा 9217,
इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आपका होमवर्क यही है कि आप इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस करें और फॉर्मूलों को अच्छे से याद करें। ये सारी एक्सरसाइज फॉर्मूलों पे मबनी है, उन्हीं स्टूडेंट्स को आएगी जो फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे, तो फिर ही एक्सरसाइज सॉल्व होगी।